अब इस वक्त इंडिया आपके साथ टेबल में सिर्फ इस वजह से बैठा है, लद्दाख में चाइना के साथ वो एंगेज हुआ है, उनको पता है कि दो फ्रंट पे जंग नहीं लड़ी जा सकती। तीसरी बात बताना चाहूंगा आपको कि मोदी साहब ने, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को ऐसा ऐसा टच दिया है, और जिस तरीके से वो एक डिक्टेटर बन के इंडिया चला रहे हैं वो भी रिमार्केबल है। ये भी फ्लोर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जमहूरियत इस वक्त जो है वो फेलिंग पीपल। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए जंग का सहारा लिया है, और एक बंदा वहां पे ड्राइविंग सीट पे ऐसा बैठा हो जिसने पिछली दफा इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके मैंडेट का हिस्सा है कि हेटरेड टुवर्ड मुस्लिम इस्लाम के साथ, इसको प्रमोट करके वो इलेक्शन जीतता है, वो आपके ख्याल आपके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा? नहीं, वो सिर्फ मजबूरी के साथ आपके साथ बैठे हैं, उसमें आपका भी कोई कमाल नहीं है, उसकी वजह मैं बताता हूं। ये कि अब ये उस इस विड्रॉल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बहाल किया जाएगा, उस ट्रस्ट को दोबारा से कायम किया जाएगा, ताकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत खौफ महसूस ये किया जा रहा है कि इस विड्रॉल के बाद हालात पाकिस्तान और भारत में काफी खराब होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में दोनों मुल्क बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई ये हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये हो जाएगा जो उन्होंने ये बात की कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम हो जाए, क्या आप क्या देख रहे हैं इस वक्त आगे? मैं इसमें आगे हालात बड़े खराब देख रहा हूँ। तीन चीज इसमें, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से मैं थोड़ी सी चीजें ऐड फैक्ट बेस वो मेंशन ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हालात इतने खराब हैं कि असद कैसर साहब वहां पे डेलीगेशन लेके गए तो जहाज ही नहीं उतर सका उनका वहां पे। ये आपके ट्रस्ट के हालात अफगानिस्तान के साथ। अब दूसरी साइड पे हालात ये चल रहे हैं कि आप इंडिया के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, बैंकडोर चैनल डिप्लोमेसी पे बातें चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये आपकी आप लकी है। पाकिस्तानी इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत खुशकिस्मत है पाकिस्तान। एक तो अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी है, वो डू मोर नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि चाइना को रशिया का प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से, इंडिया को प्रेशर है लद्दाख वाली साइड से, इस वजह से वो उनसे बातें कर रहे हैं दुबई में बैठ के, वरना इंडिया बातें नहीं करता क्योंकि इट इज अगेंस्ट मोदी साहब की जो सियासत है उसके खिलाफ है। उन्होंने सियासत को बिल्कुल इंडिया में रिफॉर्म करके रख दिया है, वो सिर्फ एंडलमान वोट लेते हैं तो उस कैटेगरी में ही इज टेकिंग अ ह्यूज रिस्क कि पाकिस्तान से बातें करके हालात करना उनको उनको सूट नहीं करता, सियासत उनकी सियासत में सूट नहीं। ब्लॉक्स की भी बात की कि जिस तरीके से पाकिस्तान उस तरफ और इंडिया उस तरफ, अमेरिका जो है वो अब इंडिया से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान है वो रशिया की तरफ जो है वो लग रहा है कि, तो इस सूरत हाल में आपने ये कहा कि नहीं इस वक्त जो है लीडरशिप का फुकदान है आपके मुताबिक, आप ये कह रहे हैं, तो क्या जो ये बात कही जा रही है कि जो चाइना है उसको हर सूरत किसी ना किसी तरह सबक सिखाने या टारगेट करने की, ताकि अमेरिका जो है दोबारा से जो है वो बहाल कर सके अपना और ऊपर आ सके, तो आपको कोई जंग के, आपको कोई ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कुछ नजर नहीं आ रहा? आप समझते हैं कि अभी इस हालत में नहीं अमेरिका? अमेरिका के पास, अमेरिकन करंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि वो चाइना को किसी किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कर सके। उसकी वजह यह है ताइवान, बिल्कुल आप ताइवान की सूरत हाल में आप देख रहे हैं, और उन्होंने 9 घंटे अपनी एयर सुपरियोरिटी उस एरिया में रखी चाइना ने, उन्होंने मिसल भी मारे, उन्होंने बल्कि शाम को 9 घंटे दिन में उन्होंने डे लाइट में एक्सरसाइज की, और उसके बाद रात को भी उन्होंने एक्सरसाइज की है वहां पे, और साउथ चाइना सी में जितने उन्होंने वहां पे बैरियर बना लिए हैं, बैरकेम बना लिए हैं, चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल। लेकिन इसमें यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि चाइना की तरक्की का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो आज तक किसी फॉरन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं रहा, इस वजह से तरक्की कर गया है। लेकिन अब वो मसल फ्लेक्स करता है, इंडिया के साथ उसने किया है, और उसके बाद सी पैक उन्होंने बनाया है, और उसके बाद ट्रेन बना रहे हैं यूरोप तक, और उसके बाद वो अपना ताइवान और उस रीजन में अपनी अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट देयर एम्बिशन इज, वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अमेरिका डजंट हैव दैट वेल कि उसको करंट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूचर प्रेसिडेंट को आया, वो भी बल्कि को रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ही आएगा, वो लीडर जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी हो, पॉपुलैरिटी भी हो, कोविड भी ना हो, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली भी हो, तो वो ही कर पाएगा। करंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहां तक ये बताना चाहता हूं, अगले दिन मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है कि जो जो बाइडन है वो ये समझते हैं कि वो सेकेंड टर्म में इलेक्शन जीत भी नहीं सकते, और उनकी सेहत भी नहीं है कि वो दूसरी दफा आ भी सके। बल्कि आपको यहां तक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी वॉशिंगटन डीसी में ये है कि ये 2020 जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उसमें हाउस और सेनेट मेजोरिटी भी लूज कर जाएंगे। तो ये आप देखें, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि अपना सारा सोशलिस्ट एजेंडा, प्रोग्रेसिव एजेंडा 2022 से पहले पहले इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हाउस
और सेनेट की मेजोरिटी निकल गई तो लेजिस्लेशन ही कर पाएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप, इनको पता है कि जो बाइडन साहब जो है वो अगली सेकंड टर्म में भी नहीं आ सकेंगे, इसीलिए हर चीज जो है वो जबरदस्ती। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी को स्टेटहुड का एक्ट दिया जा रहा है ताकि दो डेमोक्रेट सेनेटर आ जाए और कुछ कांग्रेसमैन आ जाए, उसमें भी रश कर रहे हैं, हर चीज में वो रेस में है, क्योंकि उनके पास इस वक्त तीनों चीजें हैं, हाउस भी है, सेनेटर, व्हाइट हाउस है। तो लेकिन 2022 में उनके डाउट्स हैं और सेकंड टर्म में जो बाइडन को कंफर्म है, ना उनकी सेहत इजाजत देती है तो ना उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी है। ठीक दार साहब, जिस तरह आपने ये सारी हमने सिनेरियो पे बात की, तो इंडिया पाकिस्तान की भी हम बात करें, तो एक बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अब सीज फायर भी हो गया एलओसी पर, और वहां पर एक अच्छी अच्छी यही बात होगी कि दोनों तरफ की जो हुकूमतें वो ये चाह रही हैं कि नहीं, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए, इससे अवाम भी मुश्किल में आते हैं, पैसा भी खर्च होता है, और फिर ये जो जो पीस प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा कोई अच्छा एक अमल ऐसा आएगा कि शायद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ अमन और चैन की जो बात हम किया करते हैं पीसफुल तरीके से रहना सीख लें और आगे बढ़ें। क्या आपको नजर आ रहा है कि ऐसा मुमकिन है, या फिर कुछ ना कुछ जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान ने ट्रेड करने की बात की और फिर खुद से ही यू टर्न लेके उन्होंने कहा जी ट्रेड नहीं करेंगे हम, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? मैं इसमें जो देखता हूँ, इसमें पाकिस्तान को कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, उस एरिए में, उस रीजन में पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद ही नहीं है। नंबर वन, पाकिस्तान की जो दुनिया में इस वक्त जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितना सीरियस है। 5 साल नवाज शरीफ पीरियड में आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऐसा आया सियासतदान जो नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, वो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड ही नहीं। अब इस वक्त इंडिया आपके साथ टेबल में सिर्फ इस वजह से बैठा है, लद्दाख में चाइना के साथ वो एंगेज हुआ है, उनको पता है कि दो फ्रंट पे जंग नहीं लड़ी जा सकती। तीसरी बात बताना चाहूंगा आपको कि मोदी साहब ने, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को ऐसा ऐसा टच दिया है, और जिस तरीके से वो एक डिक्टेटर बन के इंडिया चला रहे हैं वो भी रिमार्केबल है। ये भी फ्लोर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जमहूरियत इस वक्त जो है वो फेलिंग पीपल। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए जंग का सहारा लिया, और एक बंदा वहां पे ड्राइविंग सीट पे ऐसा बैठा हो जिसने पिछली दफा इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके मैंडेट का हिस्सा है कि हेटरेड टुवर्ड मुस्लिम, इस्लाम के साथ, इसको प्रमोट करके वो इलेक्शन जीतता है, वो आपके ख्याल आपके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा? नहीं, वो सिर्फ मजबूरी के साथ आपके साथ बैठे हैं, उसमें आपका भी कोई कमाल नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हालात ये है जो इंटरनली मैं अफसोस के साथ कहूंगा, वो ये है कि आपकी सारी आधी कैबिनेट तो आपकी अमेरिकन सिटीजन है, सारे अमेरिका से, और उनके उनके किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं, कोई उनके तालीम नहीं है जो पीएचडी या टेक्नोक्रेट हो, नहीं, उनके सिर्फ ये सलाहियत है कि वो अमेरिका में लंदन में इन सियासतदानों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, डिनर पकाते हैं इनका, बस। ये इस दौर में भी इसी तरह रहा है, नवाज शरीफ दौर में भी इस तरह रहा है, पीपल्स पार्टी दौर में भी इस तरह है, आज भी यही है। इनमें से एक भी, आप ये बताएं, पूरे मुल्क को बताया जा रहा है कि चाइना चाइना चाइना, हमारी तो दोस्ती हमालिया से ऊपर, और खुदा का नाम है अपने करप्शन के पैसे बीजिंग में रख के देखो, फिर आप दुबई में और लंदन की प्रॉपर्टियां क्यों लेते हो, फिर अपने बच्चे यहां पढ़ाते हो, बच्चे बीजिंग क्यों नहीं भेजते आप? पाकिस्तान जो आप सारा कुछ दे रहे हो, आपके हर शहर में इस वक्त बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें बन चुकी हैं, आपके हर बड़े शहर में चाइनीज जबान सीखने के लिए जा रहा है, आपकी कुछ 4-5 हजार लड़कियां चाइनीज खरीद के ले जा चुके हैं, आप सारा टर्न आप कटे कुछ साइड पे, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, आपके फायदे हैं, ठीक है आप करें, लेकिन खुदा रहा वो वेस्ट को तो छोड़ देना, फिर अपने बच्चे आप पढ़ाए न्यूयॉर्क में, लंदन में, और प्रॉपर्टियां रखें दुबई में, और कौन को कहें कि चाइना के साथ हमने एंगेज रहना, ये नाइंसाफी, ये नाइंसाफी। और मैं जिस तरीके से आपको बताया है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि कुछ शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता, तो वो आपके कल्चर में घुस चुकी है करप्शन, आपके बोन मैरो में घुस चुकी करप्शन, तो आपको फॉरेन पॉलिसी की जरूरत क्या है? मैं हैरान हूं खान साहब किस तरीके से अगले दिन अल्लाह ताला माफी दे रही है करंट सिचुएशन पे, खान साहब कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन छोड़ जाएगी हमें, फ्रांस छोड़ जाएगा, आप पहले वहां एक्सपोर्ट क्या करते हैं? मैं मुझे कोई गाइड करे, मैं बड़े अरसे से मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं 35-36 साल से यहां बैठा हूं, आपके आम यहां अमेरिका नहीं आ सकते, आप कौन सी प्रोडक्ट, आपकी बिजली तो मिलती नहीं, आपके अभी तक तो पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज थी, मैन्युफैक्चर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करेंगे? आज भी आपकी बिजली इतनी महंगी है कि आपकी सारी कैटल इंडस्ट्री तो बांग्लादेश जा चुकी, तो कौन को ये लॉलीपॉप देना, एक तरफ रियासत मदीना करना, फिर सियासी पार्टी, मैं अब सियासी पार्टी पे मैं अलग, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, लेकिन मैं टच जरूर करना चाहूंगा
कि इन्होंने तहरीक लद्दाख पाकिस्तान को बैन कर दिया, कर दिया दहशत गर्दी की। आप मुझे ये बताएं कि जब बेनजीर साहबा कत्ल हुई थी तो 23 स्टेशन जो थे सिंध के अंदर जला दिए गए थे। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन अलसुल्फकार थी, वो जहाज पीआईए का अगवा करती, उनको बैन क्यों नहीं किया गया? जब आपके पीएनए की आपकी तहरीक चली थी उसमें 300 बंदा मरा था, उसमें कई पुलिस वाले थे, 9 पार्टियां उसमें शामिल थी, उनको बैन क्यों नहीं किया गया? तो ये पाकिस्तान एक मजाक बन रहा है, मजाक बन चुका है, लोग दे रहे हैं। योर नॉन सीरियसनेस, नॉन सीरियसनेस उसकी इंतहा हो चुकी है। मैं समझता था, मैं खुद समझता था कि लोग सड़कों पर निकले तब्दीली का नारा लगा के। बच्चे जो इस वक्त देखें, खान साहब के पीटीआई के सपोर्टर कौन है? तालीम याफ्ता बेरोजगार लड़के बच्चे बची जिनके पास तालीम है लेकिन बेरोजगार है, उन्होंने तब्दीली का नारा देख के आए लगा, उनको भी मायूस किया गया। एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है खान साहब की। मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं जो खान साहब के लिए दुआएं मांगता रहा। वजह यह थी, मैं कह रहा था क्लीन स्लेट लेके आ रहे हैं, पढ़ा लिखा बंदा है, बार का एक्सपोजर, लेकिन वो भी अपने साथ, वो मुगल बादशाह बन गए, वो भी अपने साथ अदालत ले 100 वजीर, मुझे ये बताया 100 लोगों की कैबिनेट उनकी, वजीर आजम हाउस कहते थे नहीं करना, उनके साथ अमीर लोगों के बच्चे हैं जिनको सियासत सिखा रहे हैं सारा दिन बैठ के। इस तरह ये, दिस इज व्हाट द नेशनलिज्म इज, दिस इज रियासत मदीना, इस तरह होती है। मैं यकीन करें, मेरी पेन इसलिए है कि मेरी मदरलैंड अमेरिका इज माई होमलैंड, पाकिस्तान इज माई, मेरी माँ को जब भी छेड़ेंगे आप मिसट्रीट कर रहे हैं 73 साल से, दुख तो होगा मुझे, तो वही दुख है, वही कुर्ब है मेरा। मैं वही, मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार तुम इस तरह, और यार दुख होता है कि आपसे श्रीलंका भी आगे चला गया, बांग्लादेश भी आगे चला गया, और आपको ऐसा रिवर्स गियर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब आगे चले गए सर, सब आगे चले गए। नहीं, अब सीरियस कब होंगे? मेरा ये क्वेश्चन मार गया मेरा। अब देखिए, मैं नाउज मिला, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से नफरत नहीं कर सकता कभी भी, इसका पॉसिबल, मैं अपने मजहब से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन दुख का इजहार जरूर करूंगा कि 73 साल से इस मुल्क को, मेरी माँ को लूटा जा रहा है, इसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और नेशनलिज्म, मैं मुझे मुझे शौक है कि मुझे आपका कोई लीडर या कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही नजर आ जाए जो कहे कि पाकिस्तान फंस गया, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा, मैं मरूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर नहीं, किसी ने बस दिहाड़ियां लगाओ, लूटो मारो, दुबई चले जाओ, बस लंदन चले जाओ, यहां आ जाओ, या मुझे ये, मैं कल एक जगह पर मुझे किसी ने बताया, यह एक 18 ग्रेड का बंदा है, 18वें ग्रेड का मुलाजिम है पाकिस्तान, उसका बच्चा जायटों में पढ़ रहा है, $1,00,000 साल का खर्चा है उसका। मेरे समझ से बाहर है क्या हो रहा है पाकिस्तान। मैंने आपको बता जो दिया कि करप्शन आपके बोन मैरो में चली गई, नाउज़ बिल्ला।